तो लॉकडाउन का ऐलान पूरे प्रदेश में कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। चंडीगढ़ में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है। कोरोना पर सीएम ने सर्वदलीय बैठक भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वहां पर मौजूद है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। सब अपने अपने दफ्तर में मौजूद है, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ में। और बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला और कड़ा फैसला लिया गया है कि चंडीगढ़ 12 बजे से वहां पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अनिल कुमार चंडीगढ़ ब्यूरो हेड हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये बड़ा फैसला लिया गया है, चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाया गया है, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? जी, चंडीगढ़ प्रशासन ने आज मिडनाइट से कर्फ्यू लगा दिया है, और ताकि जो है कोरोना वायरस का बचाव किया जा सके, यही एक इलाज है कि लोग घर में रहें ताकि कोरोना वायरस फैल ना सके। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि लगातार बैठक भी की जा रही है। पहले सिर्फ कुछ जिलों में लॉकडाउन का ऐलान था, अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान है, और इसके बाद में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और भी लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ के साथ हरियाणा लगता है, और हरियाणा में भी सभी जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। और आपको बताऊं कि पंचकुला से हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ की सीमाएं लगती हैं, उनको भी सील कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के नेताओं से और विपक्षी पार्टी इनेलो के नेता अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। जो है इस कोरोना वायरस को काफी सरकार गंभीरता से ले रही है, ये आगे ना बढ़े, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जी अभी सिर्फ चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो क्या सरकार पूरे प्रदेश में भी इसका ऐलान कर सकती है? जी, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है, और ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है, और जो केंद्र के रूल हैं उसी हिसाब से चलता है। और चंडीगढ़ जो है इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो हरियाणा स्टेट है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा को लॉकडाउन कर दिया है, और एहतियात के तौर पर जो है कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हरियाणा में है, खाने पीने की, दूध की और मेडिसिन जो है, मेडिकल स्टोर जो है वो खुले रहेंगे, और इसके आगे सरकार क्या कदम लेती है ये अभी देखना होगा। अच्छी अनिल जी, हम देख रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर अब हर कोई एक टेबल पर आकर बात कर रहा है, क्योंकि कोरोना से एक साथ लड़ना है। तो ये जो विपक्ष की बैठक हो रही है, नेता विपक्ष भी मौजूद हैं, अभय चौटाला भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं, एजेंडा क्या हो सकता है इस बैठक का? जी, एजेंडा तो आजकल एक ही चल रहा है कि किस तरह से कोरोना वायरस से जो है अपने प्रदेश को बचाया जाए, देश को बचाया जाए, और जो ये आगे बीमारी है ये आगे ना बढ़े, एक दूसरे से आगे ना फैल जाए, इसको देखते हुए सभी सरकारें फैसला ले रही हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चंडीगढ़ में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र सरकार के अंडर आता है, इसीलिए चंडीगढ़ में यह ऐलान कर दिया गया है। लेकिन एक और अहम जानकारी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष के नेता भी अब बैठक में शामिल हुए हैं, और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है।